कृष्णा सुदेश, कपिल पार्वती, कॉमेडी की सबसे बड़ी जंग के दो सबसे बड़े महारथी, जिन्हें आज लड़नी है हंसी के सबसे बड़ी खिताब की निर्णायक जंग। वेलकम टू वॉटरफॉर्म प्रेजेंट्स कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स द ग्रैंड फिनाले। इन दोनों में से कोई एक आज बनेगा हंसी का सबसे बड़ा विजेता, और जो बनेगा विजेता उसे मिलेगी ये शानदार ट्रॉफी, उसे मिलेगा 10 लाख रुपए का इनाम, और वो कहलाएगा कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। और इस सब के साथ आज के विजेता को मिलेगा एक और शानदार गिफ्ट। अब बाकी सारे गिफ्ट्स तो आपने देख ही लिए, इसे भी खोलकर देख लीजिए। या आपके लिए हमारी तरफ से हम सब का प्यारा दुलारा अली असगर, फ्री फ्री फ्री, क्योंकि वो आजकल घर पर है बिल्कुल फ्री। इज्जत करने के लिए बुलाया या बेइज्जती करने के लिए? चीफ गेस्ट के बुलाया था, चीफ गेस्ट बना दिया मुझे। अरे इसके चीप जोक्स तो चलते रहेंगे, आप जाइए और अच्छी कॉमेडी की तैयारी कीजिए। हाँ, और हाँ, साथ में इस गिफ्ट वाउचर को भी लेकर जाइए, अच्छे से टटोलिएगा, आखिर पता तो लगे मिला क्या है। जोरदार तालियां हमारे दोनों फाइनलिस्ट के लिए, कपिल पार्वती, कृष्णा सुदेश। आज है हंसी का सबसे बड़ा ग्रैंड फिनाले, और ऐसे मौके पर हमने भी बुलाया है एक बहुत ही ग्रैंड जोड़ी को, कॉमेडी सर्कस के इतिहास की सबसे खतरनाक जोड़ी, क्योंकि इस जोड़ी में एक पार्टनर जिस बात पर खुश होता है दूसरा उस पर मार्क्स काट देता है। और दूसरे को मैसेज दो तो पहला उसे सटायर बोल देता है। प्लीज वेलकम कॉमेडी सर्कस की सबसे बेस्ट एंड द मोस्ट डेंजरस जोड़ी, रोहित एंड अर्चना। आज है सुपरस्टार्स का ग्रैंड फिनाले, इसलिए आज जोड़ियों को एक नहीं दो दो परफॉर्मेंसेस देनी है, पहला राउंड फ्री स्टाइल और दूसरा पैरोडी। तो देखें सुपरस्टार्स बनने के लिए कौन क्या क्या अंदाज दिखाता है। बुलाते हैं हम हमारी पहली जोड़ी को। All is well. आप यहाँ? एक्चुअली मैं रिहर्सल कर रहा था कॉमेडी सर्कस का जादू के लिए। वही जो अगले हफ्ते शनिवार 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है, राइट? बड़ी इंटेलिजेंट है तू यार, जप्पी दे दे यार। अबे हंसता क्या यार? तू जादू देखेगी? जादू? अरे मैं रिहर्सल कर रहा था ना, ये क्या है? ये डंडा? अरे मामूली डंडा नहीं है यार, एक काम कर पप्पी दे। अबे मेरे को यार, मतलब मेरे को नहीं यार, डंडे को दे पप्पी दे। अरे कभी कभार मुझे भी दे दिया कर यार। अच्छा ठीक है, अब बोल आम फट। आम फट। आय है ये रख ले। और कुछ चाहिए? देखा, अरे जितना ऊंचा एक्टर हूँ उसे कहीं ऊंचा जादूगर हूँ मैं। ऊंचा? देख लो इसे, मम्मी को बोलो कॉम्प्लान पिलाए। ऐसा नहीं बोलेगा यार, तेरे को मालूम है कभी भी कोई भी आदमी तरक्की कर सकता है यार। एक्चुअली क्या है, मैं डायरेक्टर हूँ। तुमने मेरी फिल्म नहीं देखी तारी जमीन पर, तुमने देखी है? वही जो अमूल गुप्ता डायरेक्ट करने वाले थे, राइट? एक्चुअली क्या है, मैं खुद चाहता था कि फिल्म अमूल डायरेक्ट करे यार, लेकिन मैं क्या करूं यार, अरे बच्चे का दांत देख के अमूल डर जाता था और अमूल के बाल देखकर बच्चा डर जाता था यार। सच ही कह रहा हूँ यार, और उन दोनों का लोचा देख के मैं डर जाता था। लेकिन क्या करूं यार, काम तो कंप्लीट करना है ना, इसीलिए मैंने प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया, मैं डायरेक्टर बन गया। तुम कहो तो मैं तुम्हारा भी काम कर सकता हूं, मतलब कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बोल दो यार। अरे स्कर्ट लाओ यार, छोटे वाले यार, जो यहां से शुरू किया इधर खत्म हो जाए। लाओ लाओ, मैं पहनता हूं। नहीं नहीं नहीं, मैं अपनी टांगे दिखाने का काम खुद कर सकती हूं। थैंक यू सो मच, आप जा सकते हैं। अच्छा भगा रही है मेरे को, चला फुल्ला। अरे मेरे पास एक ही जादू की छड़ी है।
भी अपना काम अच्छे से कर लेता है, सुरेंद्र थबड़ थबड़ कर लेता है, अर्चना जोड़ियों को हंसा देती है, रोहित उनकी हंसी छीन लेता है, और मैं हमारी अगली जोड़ी को इंट्रोड्यूस कर लेती हूँ, कृष्णा सुदेश, जिन्होंने हमारी गुलामी का बदला लेने के लिए अंग्रेजों को ही अपना गुलाम बना लिया है। प्लीज वेलकम सुदेश एज इंडियन हवलदार एंड कृष्णा एज वेरियस ब्रिटिश कैरेक्टर्स। हेलो, हाँ सर, या या सर, या सुदेश लहरी हवलदार सर। हाँ जी, हाँ जी, लोखंड वाला पुलिस स्टेशन सर, लंदन। हमने चार अंग्रेजों को गुलाम बना लिया सर। हाँ जी, थैंक यू। शेट्टी साहब, आपको जान के खुशी होगी कि हम भारतीय हैं, हम इंडियन हैं, और अंग्रेजों पे कब्जा कर लिया हमने। पहले ये मानते नहीं थे, फिर मैंने रिक्वेस्ट की, मैं कहा यार 10 मिनट का एक्ट है, है? उसके बाद आप अपने घर, मैं अपने घर, कपिल अपने घर ट्रॉफी लेके। नहीं नहीं, ये मजाक नहीं, प्रोड्यूसर से मेरी बात हुई है, कहते सेकंड वाले को भी दे रहे हैं। अच्छा, ऐसे मजाक कर। इधर आप, इधर आप, फ्रंकी कहीं की? ए, डोंट कॉल मी फ्रंक, माइसेल्फ कैटरीना। कैटरीना? तो फिर वो सलमान के साथ कौन एंजॉय कर रही यार? हे, तुमने मुझे रोका क्यों? हे, तुम और आगे नहीं जा सकती? और आगे नहीं जा सकती? अबे साले, फिनाले चल रहा है, सबको पता है, कोई भी और आगे नहीं जा सकता। मेरा मतलब है तुम जा कहां रही हो? तू मुझसे पूछेगा मैं जा कहां रही हूं? कौन होता है तू? हाँ, शायद तुम जानती नहीं कि हमने तुझे अपना गुलाम बना लिया है। तो तुमने गुलाम बनाया है? हाँ। नहीं, नहीं, दिल तो कर रहा मैं ही तेरा गुलाम बन जाऊं। हट, डोंट टच मी। चलो कोई बात नहीं, डॉन से टच कर लेते हैं। क्योंकि तू गुलाम है, अब हम जो कहेंगे, जो हमारी मर्जी होगी वही तू करेगी। अबे साले, जिस देश का पीएम अपनी चीजें खुद की मर्जी से नहीं करता, तुम हमको अपनी मर्जी क्या करवाओगे? तुम ज्यादा दिनों तक हमें गुलाम नहीं बना सकते। चलो थोड़े दिन ही सही है। मेरी बात सुनो, हम वो अंग्रेज नहीं है जो अपनी पत्नियों के साथ थोड़े दिन एंजॉय किया और बाद में उनको आजाद कर दिया। साले, बहुत सटायर मार रहा है तू। हाँ शेट्टी साहब, माफ करना, मुझे पता है आप सोच रहे हो कि आज मजाक कम और स्टायर ज्यादा मार रहा हूँ, पर क्या करें सर, देश का मामला है और मैं देश को मजाक में नहीं ले सकता। देश को तू मजाक में नहीं लेगा, ये लोग तुझे सीरियस नहीं लेंगे। मैं जा रही हूँ, हट, अकेले कर ले अकेले। इसको पता नहीं अर्चना जी के मैं कितने देशों को अपना गुलाम बना सकूं। सबसे पहले मैंने अमेरिका पे कब्जा किया, क्योंकि हम इंडियन है, कुछ भी कर सकते हैं। फिर हम अफ्रीका गए, अफ्रीका पे कब्जा किया, मैंने उनको बोला यार कि हमने आप पे कब्जा कर लिया, उनको भाषा ही समझ नहीं आई, और वहां सब सुनील पाल। मैंने कहा हमने एक सुनील पाल बर्दाश्त नहीं किया, इतने कैसे करेंगे। हम वापस आ गए यार। बाकी रही कब्जे की बात, कब्जा तो हम सॉरी यार हाथों लगा लूं। कब्जा तो हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, क्यों मेहनत करें, जबकि हम सारा पैसा अर्चना जी को भेज चुके पहले। अर्चना जी, ऐसे हंस के आप बच नहीं सकती, आपने 300 रुपए मांगा, हमने 500 दिया, लेकिन इस कमीने ने इन्हों को 1000 रुपया दे दिया। को पता नहीं ना कि आप रिश्वत बर्दाश्त नहीं करते। पुलिस का नाका, तेरी मां का साकी नाका। ए बुढ़िया, बुढ़िया किसको बोला? नहीं 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 बेटे, मेरे तेरे को, मैं उसको बोला बुढ़िया। बुढ़िया नहीं, वो है बुढ़िया ही, वो मेकअप करके लड़की लग रही। आप कौन है दीदी?
दीदी चले, तुम लोगों की वजह से हमारा पूरा कल्चर डेंजर में आ गया है। आपका कल्चर कहीं राजीव ठाकुर तो नहीं? वही ज्यादा डेंजर में आता है। बकवास बंद करो, तुमको पता है मेरी बेटी नैंसी? नहीं नहीं मुझे नहीं, मैंने कभी नहीं। बकवास बंद कर, मेरी बेटी नैंसी पहले छोटे छोटे स्कर्ट पहन के पार्टीज में जाया करती थी, अब ये लंबी लंबी साड़ियां पहन के जाती है। पता है कितनी नाक कटवा दी है तुम लोगों ने हमारी। अरे मेरा बेटा पीटर रात को 3 बजे टीवी म्यूट करके देखता है। हाय क्या देखता है? बाबा रामदेव को, उनकी योगा भजन एंजॉय करता है। पता है कितना बेड़ा गरक कर रहे हो तुम लोग, सब बच्चों को खराब कर रहे हो। अच्छा बच्चों को खराब कर रहे हो, ये तेरे को पता है बच्चे किसके हैं ये तेरे को नहीं पता? बकवास बंद कर। तुम लोग कब जाओगे यहाँ से? कब जाओगे और क्यों जाए? सुन मेरी बात, तुम बुढ़िया लेट आई हो। मैंने जब एक्ट शुरू किया मैंने बोला था कि 10 मिनट का एक्ट है, फिर तू अपने घर में अपने घर। तो साले बुढ़िया को इतने डायलॉग क्यों बुलवा रहा है फिर? हट शेट्टी साहब, देख लो हम भारतीय हैं और हमने कभी सोचा नहीं था। आपने कभी सोचा था कि हम अंग्रेजों पे कब्जा कर लेंगे? सोचा था नहीं, राइटरों ने सोच लिया। ये कुछ भी सोच रहे हैं, बाहर बैठा है एक राइटर सोच रहा हमें पैसे मिलेंगे। कैसी बातें कर, समझते नहीं है मेरी बात को। जब तक ये नहीं समझेंगे मैंने समझा के छोड़ूंगा। साले एक बात सुन लो, ये अंग्रेज यहाँ पे कांपते हैं क्योंकि बर्फ पड़ी ने सर्दी बहुत है। सर हर अंग्रेज मेरे से डरता है, मैं किसी को। साले डरता ही नहीं तू मेरे से, मैं कॉमेडी थोड़ी कर रहा हूं। कौन है तू? माई सेल्फ ट्यूजडे पांडे। ट्यूजडे पांडे? मंगल पांडे का इंग्लिश वर्जन। ट्यूजडे पांडे। साइमन गो बैक, अब मेरा मतलब सुदेश गो बैक। अरे मैं क्यों जाऊं? सब लोग चले जाओ, तुम भारतीय इंग्लैंड छोड़ के चले जाओ। ओ क्यों जाए, हमने तुम्हारे लिए क्या नहीं किया? यहाँ पे कितनी अच्छी सड़कें बनवा रही यार हमने। हाँ सड़कें बनवाई है, हर जगह खड्डे ही खड्डे हैं। साला कल एक एम्बुलेंस जा रही थी डेड बॉडी को लेकर, वो साला डेड बॉडी खड़ी हो गई उठ के, कहती है एम्बुलेंस लेके जाओ मैं पीछे चल कर आती हूँ। यार वो तो पागल है, फायदा ही हुआ है एक बंदा बच गया ना हमारी वजह से। साले गोली अभी तक चली नहीं है यार। हार्ट अटैक भी कोई चीज होता है कि नहीं यार? बात करता तू। हार्ट अटैक? बंदूक देखकर डर गया बुजदिल आदमी। बुजदिल? तू मेरे को जानता नहीं, मैं चाहूं तो अभी ये छीन लूं तेरे से, तू जानता नहीं मेरे को। अच्छा साला बेस। हाँ जी साला। तू मुझे जानता नहीं, हम भारतीय हैं, हम देश पे, हम देश पे राज नहीं करते, हम दिलों पे राज करते हैं। बोल हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये ले साले, चलो हिंदुस्तान जिंदाबाद। जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। तो अर्चना, इन दोनों ने हमारे दिलों पर कब से कब्जा किया हुआ है। आपके जितने फैंस हैं और भी बढ़ते जा रहे हैं कृष्णा और सुदेश, और इस एक्ट के बाद और भी बढ़ेंगे आई एम श्योर। सो दिस इज़ अगेन अ वेरी 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 गुड एक्ट फ्रॉम यू गाइज। आई जस्ट फेल्ट दैट कृष्णा लिटिल एनर्जी वॉज लेस टुडे। रोहित, परफॉर्मेंस वाइज नो इश्यूज, बहुत अच्छा परफॉर्म किया आप दोनों ने। मेरे ख्याल से स्क्रिप्ट ने आप लोगों को सपोर्ट नहीं किया, दैट्स व्हाट आई फेल्ट। चलिए कोई बात नहीं, स्कोर्स की तरफ चलते हैं। 9 points रोहित, 9 points कृष्णा सुदेश को मिलते हैं 18 points। नॉट टू वरी गाइस, एक और राउंड अभी बाकी है, तो पुट इन योर बेस्ट। जोरदार तालियां कृष्णा और सुदेश के लिए। कपिल पार्वती, ये कॉमेडी सर्कस में उनका पहला सीजन है और पहली बार में फिनाले में पहुंचना कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, और आज फिनाले में वो आ रहे हैं। लेकिन अरे राधा रानी,
राधा रानी, राधा रानी कहाँ चली गई तू? राधा रानी भगवान कसम, सच के राम राधा रानी, आई वॉन्ट टू टेक समवन होम। ए बुड्ढे, अपनी उम्र देख, तू मुझे घर ले जाएगा क्या? राधा रानी, राधा रानी भगवान कसम, हम तो अपने घर ले जाना चाहते हैं राधा रानी, लेकिन क्या कर रहे राधा रानी, ये गांव वाले भी सब घर आ जाएंगे, फिर इनसे तुम्हें कौन बचाएगा राधा रानी? इसलिए हम तुझे नहीं राधा रानी, हम किसी और को घर ले जाएंगे। अर्चना, आई वांट टू टेक रोहित होम। अर्चना, रोहित, तुम रोहित को घर ले जाने आए हो? राधा रानी भगवान झूठ ना बोला, राधा रानी मजबूरी है राधा रानी। अरे रोहित इज्जत का ठेकेदार है, इस शो में जो भी सेलिब्रिटी की बेइज्जती करता है राधा रानी, रोहित भड़क जाता है, और वो ससुरा अली वलकर औकात हम मारी ऐसी की तैसी। जब देखो मेरी बेइज्जती करता रहता है, अरे हमका छोड़कर बाकी सबकी मिमिक्री में गंदी बातें करता है। अरे बिरजू बेटा हमको अपने साथ रख ले बिरजू बेटा, ये मेरा गोलमाल, ऑल द बेस्ट बोल दे बेटा। एक मिनट, आज हमारा ग्रैंड फिनाले, रोहित कहीं नहीं जा सकते, तुम ऐसा करो थपड़ थपड़ को ले जाओ। अरे थपड़ थपड़ को ना ही रे, भगवान झूठ ना बुलाए, इज्जत बचाने की बात कर रहा हूँ, लुटाने की बात नहीं कर रहा। इसीलिए हम कहते हैं राधा रानी तू ही हमारे साथ चल राधा रानी। अरे भले ही तेरी इज्जत चली जाए राधा रानी, लेकिन हमारा दिल तो लगा रहेगा राधा रानी, चल। अरे छोड़ मुझे। लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्वती कर रही है रियलिटी शो और कपिल एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, तो प्रेजेंटिंग अ फाइनलिस्ट कपिल एंड पार्वती, प्लीज तालियां मारो यार। अरे चल रे। Gentlemen, I hope you're enjoying this evening. जैसे कि आप सब जानते हैं कि आज हमारा फिनाले है, और मैं इस बात से जरा भी खुश नहीं हूँ, क्योंकि मैं कपिल की पार्टनर हूँ, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि मैं कपिल की पार्टनर हूँ और वो फिर भी फिनाले में पहुँच गया। अब मैं उसे फिनाले में पहुँचा कर एक नए शो की एंकर हूँ, जिसका नाम है एंटरटेनमेंट के लिए कुछ भी करेगा, तालियां। और सबसे पहले हमें एंटरटेन करने आ रहे हैं चेन्नई पंजाब से बबलू पांडे। हेलो मैडम। सर, सर इस साइड सर। हेलो, कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, आपने चश्मा क्यों लगाया है? चश्मा पता नहीं किसी ने लगा दिया होगा, अंधा हूं मुझे क्या पता। आप अंधे हैं? नहीं मैडम, हूँ तो गूंगा, आज जानबूझ के बना हुआ डायलॉग बोल लेना। तो मैं कैसे मान लूं कि आप अंधे हैं? नहीं यकीन तो सामने अनु मलिक से पूछ लो। वो अनु मलिक नहीं, रोहित शेट्टी बैठे। अब तो यकीन हो गया ना मैं अंधा हूँ। अच्छा ये सब छोड़िए और बताइए, आज आप हमारे दर्शकों को क्या करके दिखाएंगे? मैं मैडम दर्शकों को निशाने लगा के दिखाऊंगा। कैसे, आप तो अंधे हैं ना? तो मैडम मैंने ये कब कहा कि ठीक निशाने लगाऊंगा, मैं अभी अभी लगा के दिखाता हूँ आपको, एक मिनट ठहरे जरा, सामने कोई बैठा तो नहीं हुआ? अरे बहुत सारे लोग बैठे, बंदूक नीचे खींचे। हाँ तो फिर ठीक है, खाली फायर करना मुझे भी नहीं अच्छा लगता। देखो हम यहाँ लोगों का एंटरटेनमेंट करते हैं। क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट। इतने हफ्तों से किया तो है नहीं कभी। ओ शट अप, एक तो अंधे ऊपर से चपड़ चपड़ कर रहे हो। मैडम धीरे बोलो, अंधा हूँ बहरा नहीं हूँ मैं। हाँ यार चलो चलो, तुम्हें निशाना लगाना है तो लगाओ। निशाना लगा के दिखाऊं मैं? इसको रजनीकांत स्टाइल में लगाता हूँ जरा। कैसा लगा मेरा निशाना मैडम? अरे कहाँ लगा आपका निशाना? आप बताइए, मैं तो अंधा हूँ मुझे क्या पता। नहीं जज क्या कह रहे हैं, मैं सिलेक्ट हो गया कि नहीं? आपकी एक गोली अनु जी को लग गई। क्या? हाँ। इतने सालों बाद आज मेरा निशाना ठीक लगा जाके। मैं इंडियन आइडल फर्स्ट से उनको ढूंढ रहा हूँ मैं। अरे शुक्र कीजिए कि आपकी गोलियां नकली थी। मैं क्यों शुक्र करूं, शुक्र वो करें जो बच गए हैं। मैडम वैसे एक बात बताऊं? हाँ। इंडियन आइडल से एक पंची याद आया मुझे। बोलो ना। मैं भी इंडियन आइडल हूँ, पूछो कैसे। कैसे? आई मेरी डल है। हाँ। इंडियन तो मैं हूँ ही। इंडियन आइडल। कोई नहीं हंसा। कोई नहीं ऐसा। चलो मेरा क्या है, मैं नया चुटला याद करके आ जाता हूँ। अब हम बुलाना चाहेंगे अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट को, सो
Next contestant. Hey, बड़ा next next कर रही तू हैं? क्या next next कर रही थी तू हैं? अरे दादी बनने में इतना time? शुक्र कर बेटा मैं तो 2 मिनट में दादी बन के आ गई, नहीं तो आजकल तो माँ बनने में 9 महीने लग जाते हैं। हाँ, तो बता तो कौन से कमरे में दिखाने कर्तव्य? कमरे में नहीं, स्टेज पे कर्तव्य दिखाने दादी। हाय, अब तू मुझे बताएगी किधर करने कर्तव्य हैं? हमारे जमाने में तो भैया कमरे में हुआ करते थे कर्तव्य। दादी इतनी उम्र हो गई आपकी, कितनी गंदी बातें करती हो। हाय हाय, छोटी छोटी बातें पकड़ने लग गई तू तो, ये ले 10 रुपए बात यही खत्म कर। 10 रुपए? आपने तो 11 बोले थे। हाँ तो एक तेरा टीडीएस नहीं कटेगा है? अच्छा ये बता, एंटरटेन किसको करना है? हमारे जजेस को। इधर भी जज है? हाँ जी, फरा खान और अनु मलिक। अरे फरा खान नया टैलेंट ढूंढ रही है? ए, दोनों भाई बहन नया टैलेंट बड़ा ढूंढते हैं। नया टैलेंट इतना ढूंढते काम करते नहीं नए के साथ। एक शाहरुख को नहीं छोड़ती, दूसरा अक्षय के पीछे पड़ा हुआ है। अरे दादी आप हमें बताइए कि आप क्या कर सकते हैं। आपको पता है हमारे पिछले एपिसोड में एक आदमी आया था जिसने मुंह में सांप डाला था और नाक से निकाला था, क्या टैलेंट था उस बंदे का। खाए खा का टैलेंट था, खुद भी तंग हो रहा है सांप को भी तंग कर रहा है। ये टैलेंट तो सांप का हो गया ना, जो अंधेरे में रास्ता ढूंढ के बाहर आ गया। भगवान का शुक्र कर सांप रास्ता नहीं भूल गया, किसी और रास्ते से बाहर आता लेने के देने पड़ जाते तुमको। दादी हाँ, इतनी उम्र हो गई आपकी, कैसी बातें करती हैं यार। अच्छा मेरी बड़ी उम्र है तेरी, तू कब पैदा हुई थी है? 1985। अच्छा 84 से एंजॉय कर रहा है तेरा बाप है। आप मेरे बाप पे नहीं जाएंगे ना तो बेटर रहेगा। बेटा क्या करूँ इस उम्र में, मेरे पास तो आता नहीं, खुद ही जाना पड़ता है लोगों के पास। देखिए आप अब क्या करके दिखाएंगे हमें? मैं बड़ा कुछ कर लेती हूँ बेटा जी, मैं डायलॉग पे डांस कर लेती हूँ। डायलॉग्स पे? हाँ अभी से एक डायलॉग, ए सांबा कितने आदमी थे, ए सांबा कितने आदमी थे। मजा नहीं आया तेरे को? ले नया डायलॉग सुन, आज मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? आज मेरे पास गाड़ी है, पैसा है, बैंक बैलेंस है, तेरे पास क्या है? घंटा। दादी मजा नहीं आया। अच्छा तेरे को मजा आएगा भी कैसे, गाड़ी मेरे पास, बंगला मेरे पास। ऊपर से दादा भी मेरे पास। मैं तेरे को मजा दिलाऊं? हाँ। ऐसी बात करके जाऊंगी दादी को याद करेगी सारी उम्र। ऐसा सवाल पूछती हूँ तेरे से मैं, ये बता ये जो गोलमाल 3 हिट होगी या नहीं, यही पूछोगी ना? हर बार यही थोड़ी पूछूंगी। मैं तो ये पूछ रही थी सीरियस क्यों बैठा हुआ है। खुश होके बैठ, हो जाएगी तेरी फिल्म भी हिट। तो इसी दादी के लिए जोरदार तालियां। अब इसी बात पे हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। कट कीजिए प्लीज, मेकअप दादा पफ लाइए। मेकअप ला गए। आप है कहां से? मैं उम्मू से। कहां से? उम्मू। उम्मू क्या होता है? तेरी माँ का जम्मू। आप मुझे गाली दे रहे हैं? गाली नहीं दे रहा हूँ, फ्लो में निकलता है। अच्छा ये सब छोड़िए, आप बताइए कि आज आप लोगों को कैसे एंटरटेन करेंगे? मैं एंटरटेन कर सकता हूँ, मैं नल खोले बिना नहा सकता हूँ। कैसे? मैं पहले बाल्टी भर लेता हूँ। अरे देखिए तलवार लानी भूल गया था। हाँ जी देखिए आप ये बताइए कि आप लोगों को कैसे एंटरटेन करेंगे आज? मैं सारे लोगों को मुंह में तलवार डाल के दिखाऊंगा। तलवार है, सलवार थोड़ी भारी होगी। तो आप सब दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब ये तलवार मुंह में डालने वाले हैं। क्या आप पूरी तलवार मुंह में डालेंगे? ना और नहीं तो आधी तुम्हारे मुंह में डालूंगा। बच्चों जोरदार तालियां, अभी मैं आपको अपने मुंह में पूरी तलवार डालकर दिखाऊंगा। प्लीज you
ये तो कुछ भी नहीं, मैं ना कांच के बल्ब भी खा लेता हूँ। दिखाइए ना कैसे खाते हैं, दिखाइए ना। कांच के बल्ब खा लेता हूँ। दिखाइए ना कैसे खाएंगे। ऐसे नहीं, पनीर की सब्जी हो तो। आपको पता है मेरे जो दादाजी थे ना, वो बड़े कर्तव्य थे। पप्पू लाल। पप्पू, आपके दादा का नाम पप्पू है? नाम तो लंबा था, मेरे से लिया नहीं जाता, मैंने खुद ही रख लिया पप्पू। आपको पता है मेरे दादा ने अपने ऊपर से ट्रेन निकाल ली थी। अपने ऊपर से ट्रेन निकाल, उनका नाम क्या है? स्वर्गीय दीनानाथ। स्वर्गीय? वो मर गए क्या? मरने वाले काम करेगा तो मरेगा ही चला। देखिए आप ये सब छोड़िए, आप बताइए आप क्या कर सकते हैं? मैं तो बड़ा कर सकता हूँ कुछ। क्या क्या करके दिखाऊं? हाँ? मैं अभी कुछ करके दिखाऊं? हाँ जी। यही ना कि गोलमाल 3 हिट होगी या नहीं। तुझे उनकी पड़ी है। मैं पूछ रहा हूँ हम लोग आज जीतेंगे कि नहीं। अब ये तो हमारे जजेस ही बता सकते हैं कि आज का विनर कौन होगा, तो जजेस आप बताएंगे प्लीज। चल, चल। राधा रानी, अरे राधा रानी, अरे अरे राधा रानी, सच्ची कह रहा हूँ राधा रानी, कॉमेडी सर्कस का जादू जरूर देखूंगा राधा रानी। क्या बोल रहा था बे? एंटरटेन करूं तुझे? हाँ नहीं, वो दिल लगा रहेगा। गाँव वाले, अरे राधा, क्या तेरा दिल? अरे पार्वती, ये अकले उसको छोड़ इधर। वो साले आधी तेरी मूछ नहीं, बहन को छेड़ रहा अपनी को। साले छुरी मारूंगा, बनियान में धोती फाड़ के रख दूंगा तेरी में। परमिशन से बात करूं? 200 रुपया। मालिक पोस्टमार्टम। नहीं नहीं। हाय रब्बा, हमारे कमेंट्स को पोस्टमार्टम कह रहे हो? आपने शाम को आई थिंक जो शुरुआत दी है, इट इज रियली वर्दी ऑफ अ ग्रैंड फिनाले, एंड ग्रैंड फिनाले ऑफ कॉमेडी सर्कस के सुपर स्टार्स डिजर्व्स दिस एंड ओनली दिस काइंड ऑफ अ परफॉर्मेंस। ग्रेट राइटिंग, एंड पार्वती you held the stage on your own very well. Thank you so much. So you come a long way. Rohit, bahut acha likha gaya ye act, aur usko bahut 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 achi tarah aap dono ne nibhaya. Parvati aapne bhi, aur Kapil aap to chha gaye ho aaj. Thank you sir. Aur ye aap dono ke liye a smiling Zuzu. Thank you sir, thank you so much. तो आइए स्कोर्स की तरफ चलते हैं। यू डिजर्व नथिंग बट द बेस्ट फॉर द बेस्ट। परफेक्ट। थैंक यू सो मच मैम। रोहित, गोलमाल 3 हिट होगी। फिर आपका एक्ट भी हिट है। तुमने रोहित के साथ एक फिल्म में काम किया है ना? हाँ, संडे जो फ्राइडे को रिलीज हुई थी। अपने और रोहित के रिलेशन के बारे में कुछ बताओ ना। रिलेशन? yeah. कहाँ से शुरू करूँ? हाय 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 हाय, यू नो बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा यार। रोहित गंदा था पर मैं कवर करता हूँ। कॉम्प्रोमाइज मतलब यू नो डेट्स के लिए कॉम्प्रोमाइज, स्क्रिप्ट, यू नो वैनिटी वैन, वेज नॉन वेज, खाना क्या खाऊंगा, रोल क्या होगा, पैकअप टाइप क्या होगा, यू नो ऑल दैट। और रोहित ये अपनी सुरवीन, हाय हाय हाय। नहीं ये गंदा है लेकिन मैं कवर करता हूँ। मैंने कवर कर दिया सर। क्या करूं सर, कुछ कवर करने के लिए कुछ तो गंदा करना पड़ेगा। मेरी टीआरपी से जलने वाले गंदे आर्टिस्ट, चल पकड़, जा यहां से। डोंट वरी ना।
डायरेक्टर एक्टर डेट पेमेंट्स ये सब कॉम्प्रोमाइज मुझे समझ नहीं आते यार लेकिन हमारी अगली जोड़ी ये सब डिटेल में बताएगी प्लीज वेलकम हमारी स्पेशल गेस्ट जोड़ी भारती एंड परेश गिव देम अ बिग हैंड लेडीज एंड जेंटलमैन पिक्चरें बनवा लो सीरियल बनवा लो कम से कम डॉक्यूमेंट्री तो बनवा लो डायरेक्टर वाले डायरेक्टर ओए सर इधर आ सर बोला आपने डायरेक्टर को यहाँ पे सर ही बोलते हैं ना 25 साल से इंडस्ट्री में हूँ अच्छा ये बोरी में क्या बेच रहे हो तुम डायरेक्टर कम कबाड़ी वाला ज्यादा लग रहे हो देखो मैडम जब तक सही ब्रेक ना मिले ना तब तक दोनों में कुछ ज्यादा फर्क नहीं होता है क्यों रोहित जी अच्छा लेकिन तुम कौन हो क्या कंगी से भी नहीं पहचाना कंगी से कैसे पहचानूंगा अरे हेयर ड्रेसर हूँ चल हट 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 बोनी खराब कर दी अरे मैं प्रोड्यूसर ढूंढ रहा हूँ हेयर ड्रेसर नहीं तो मैं भी प्रोड्यूसर ही हूँ आप प्रोड्यूसर हैं आपके चरण कहाँ है ये ये क्या अभी तो साइनिंग अमाउंट दी नहीं पहले से प्रोड्यूसर वाली हरकतें तू कौन सी हरकतें कर रहा है गली गली भीख मांग के काम मांग रहा है पूरी इंडस्ट्री का नाम डुबा रहा है तो मैं ये नहीं कर सकती अच्छा मैं काम मांग मांग के इंडस्ट्री का नाम डुबा रहा हूँ लेकिन जो काम करके डुबा रहे उनको कोई कुछ नहीं बोलता तुम्हारी बात अच्छी लगी मैं तुम्हारी फिल्म प्रोड्यूस करूंगी अरे थैंक यू मैडम मैंने तो अपनी फिल्म का टाइटल भी सोच के रखा हुआ है क्या ग्रीन ग्रीन ये कैसा टाइटल है क्यों जब ब्लैक ब्लू रेड सब बन सकते हैं तो ग्रीन में क्या प्रॉब्लम है मैडम ग्रीन तो इको फ्रेंडली कलर है ना अरे वाह मुझे तुम्हारी ये बात भी पसंद आई अरे वाह लेकिन हाँ मैं तुम्हारी फिल्म को एक शर्त पे प्रोड्यूस करूंगी क्या उसमें जितने भी हीरो हीरोइन होंगे सबके बाल मैं बनाऊंगी ठीक है मुझे क्या प्रॉब्लम है अरे तुम्हें नहीं पता कितना नाम है कितने हीरो हीरोइन के बाल बना चुकी हूँ मैं अच्छा अनिल कपूर अरे वाह अनिल कपूर के भी बिल्कुल अरे क्या हेयर स्टाइल है माइंड ब्लोइंग सुपर्ब क्या सुपर्ब पता कितना काम करना पड़ता था रोहित जी बाल बनाने के साथ साथ छाती और पीठ के बाल भी बनाने पड़ते थे ओह माय गॉड छोड़ दिया मैंने उसका काम अच्छा लेकिन अब मैं बहुत खुश हूँ कैसे अर्चना जी के साथ हूँ अर्चना जी के साथ काम ही नहीं होता कोई अरे क्या बात है क्या फैंटास्टिक हेयर स्टाइल यार नेचुरल एकदम है ना हाँ बिल्कुल नेचुरल है बस थोड़ा ही काम होता है गंजी है ना विग चेंज करना पड़ता है जाती हूँ मैं अरे कहाँ जा रहे हैं आप बुला रही है बाल खराब हो गए उनके जा रही हूँ मैं अच्छा और सुनो हाँ खड़े नहीं होना स्टैंड अप करना है चलो सुनो भारती सुनो और जिस तरह से एक्ट जा रहा है ना रोहित जी मुझे ऐसा लग रहा है कि पहली बार कॉमेडी सर्कस के इतिहास में ऐसा होगा कि जो गेस्ट जोड़ी आई ना वो एलिमिनेट हो जाएगी अरे चल अभी एलिमिनेशन पे वोट लिया चल आना अरे आ गई हूँ बड़ा डांस कर रहा है छोटू तू आज अरे ऐसे ही वाह बड़े फूल छोल लगाए ने डांसरें भी बैठी हुई हैं बैंड वाले भी भी आज है क्या अरे आज कॉमेडी सर्कस का फिनाले हो रहा है ना फिनाले मैंने सोचा कि भैया भाभी की रिसेप्शन पार्टी पे आए हैं पहचाना नहीं मुझे अरे नहीं पहचाना ले बेटा बम्मी आंटी अरे कौन बम्मी आंटी यश जी की वाइफ यश जी की वाइफ आंटी जी पैरी फोना ओ पो बेटे पो अरे लेकिन आप क्यों आए यहाँ कैसे यार तेरे से फिल्म बनवाने आई हूँ मुझसे फिल्म बनवाने आई हैं हाँ यार मेरे तो भाग खुल गए आंटी जी मेरे पास 3-4 अच्छी टॉप फिल्म एकदम फर्स्ट क्लास स्क्रिप्ट है हिट थप्पड़ मारू तेरे नाक पे हिट फिल्मों के लिए हमने परमीर सेठी को रखा हुआ है और हाँ फ्लॉप फिल्म है कोई तेरे पास लेकिन फ्लॉप फिल्म क्यों आंटी जी वो मेरी यश जी से लड़ाई हो गई है अब कल रात को मैंने चोपड़ा साहब से कहा मैं कहा देखो जी सारे अपने बच्चों को लॉन्च कर रहे हैं हम भी अपने उद्दू को लॉन्च करते हैं इतनी बात पे भड़क गए अच्छा तो क्या बोले कहने लगे उदय अपने कितनी फिल्में बनाते फ्लॉप भीख मांगे अब उनकी बात भी सही है ना अब ये एक ऐसा हीरो है जो लॉन्च होते होते बुड्ढा हो जाएगा यार चल ठीक है तू मेरे पुत्र के लिए फिल्म बनाएगा कि नहीं फ्लॉप फिल्म लेकिन रहने दे क्यों जैसे तू नाक फुला रहा है ना लगता नहीं तू फ्लॉप बनाएगा मेरे को रामू को फोन करने दे अरे रामू पुत्र एक फिल्म बनानी है नहीं नहीं हिट नहीं जैसे तू बनाता ना वैसे बनानी है हाँ फ्लॉप फिल्में चाहिए
10 लाख दूंगी तेरे को मैं, 10 लाख। मैडम एक मिनट, आंटी आंटी मैडम मैं बनाऊंगा ना फिल्म, प्लीज प्लीज। रामू एक मिनट होल्ड कर, खोता बोल रहा है, बोल बेटे। मैं बनाऊंगा फिल्म, पक्का फ्लॉप फिल्म, 8 लाख में बना दूंगा। चल ठीक है रामू, रखती हूँ मैं, फिर भी अपनी डेट फ्री रखी, ठीक है पुत्र? 7.5 में बना दूंगा। चल ठीक है, दिखा कैसी फिल्म है तेरे पास? फिल्म है ना ये, ये देख छोटे मुत्तेरा, कभी बोरी खोली नहीं, मुझे चूहा मरा पड़ा था। थोड़ा पानी पूनी छिड़का कर, फ्रेश रहे। अच्छा। ये ठीक लग रही है, हरे वाली, इसको तोल जरा कितने की है? हरे वाली तोलू? तोल, ओ गॉड, 3.5 घंटे की है जी। 3.5? हाँ जी। ना भी ना, इतना बजट नहीं है। मेरे को कोई फ्लॉप सी फिल्म चाहिए जिसे देख के यश जी का मूड खराब हो जाए, और 6 महीने तक ना कोई काम ना करे, सिर्फ मेरे से प्यार भरी बातें करे। आंटी जी, ये आपके लिए बेस्ट फिल्म है। का? हीरो इम्पॉसिबल। हाय। शॉर्ट शॉर्ट फ्लॉप। उद्दू के लिए सही रहेगी ये फिल्म, है ना? ये ले साइनिंग अमाउंट। अरे वाह। कितने घंटे की फिल्म है ये? 1.5 घंटे की है जी। मर जाने, मेरे बच्चे का टैलेंट ही दब जाएगा इसमें 1.5 घंटे में तो। नहीं नहीं, कुछ मसाला मसूला डाल, प्याज पू जैसे नमक नमक छिड़े, कुछ गाने वाने हैं? अरे है ना, एक काम करते ना, आपके स्वाद अनुसार 2-4 गाने डाल देते हैं इसमें। अच्छा दोनों जोड़ी इसको करनी है पैरोडी, किसी भी चीज पर, किसी भी इंसान पर, लेकिन याद रहे ये है एक आखिरी मौका। अब ये मौका ही तय करेगा कि कौन बनेगा कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। तो शुरू करें दूसरा राउंड। आवाज़, क्या खूब लगती हो, बड़ी तंगड़ी कुल्फी लगती हो रे। लगता है मुझे अपनी टांगों पर टैक्स लगा देना चाहिए यार। अरे जब राखी प्लास्टिक का माल बेच बेच कर पैसे कमा सकती है, तो तेरे तो पैर असली है रे। जो चाहे चार्ज कर ले, लेकिन वेट एक्स्ट्रा। हाँ वैसे भी मरहबा, अपनी भोली भोली बातों पे मुझे फुसलाओ मत, क्योंकि हम कॉमेडी सर्कस से नाराज है। अरे सर, सर हमने ऐसा क्या कर दिया सर? मतलब अब कभी कभी आप पर सिर्फ एक आधा पंच ही मारा है। एक आधा पंच? लाइक मत जाली रहे, हमारी औकात एक आध पंच की है क्या? हमें पता चला है कि आजकल पंचेस तुम्हारे टांगों पर और सुरेंद्र पर मारा जाता है। इसीलिए आज हम ले जाएंगे टंगड़ी कुल्फी नहीं रे, सुरेंद्र के हाथ। सुरेंद्र यहाँ, धमका दे दे सुरेंद्र, यहाँ धमका दे दे, नहीं तो सर, प्लीज सिर्फ आज के लिए उसके हाथों को छोड़ दीजिए, कल उससे जो चाहे ले जाना है आप ले जा सकते हैं। क्या है, अभी हमारा पैरोडी स्पेशल है, फाइनल राउंड है, म्यूजिक के बिना पैरोडी कैसे होगी सर? लेकिन हमारी एक शर्त है बेबी। क्या शर्त? तुम्हें अपने कॉमेडी सर्कस में हमारे जानशीन फारदीन को लेना होगा। सर सुरेंद्र को ले जाइए, थप्पड़ थप्पड़ कोई भी और कर लेगा सर। Anyways, all the best contestants, do well, huh? And tunchun, you too, baby. I love you, huh? Okay, हम चलते हैं क्योंकि हमें जाना है प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते से कॉमेडी सर्कस का जादू शुरू होने वाला है, सेम टाइम सेम प्लेस, सो बी देयर, अदरवाइज आई विल टेक अराउंड। हाँ तो देखा आपने, यहाँ जिसकी बैंड बजती है वो हिट हो जाता है, इसलिए यहाँ बेइज्जती होना खुशनसीबी है। और अब देखते हैं कि आज कौन कौन खुशनसीब बनता है, क्योंकि कॉमेडी सर्कस के हर सदस्य का बैंड बजाने आ रहे हैं। कपिल एंड पार्वती, प्लीज गिव देम अ बिग हैंड। ग्रैंड फिनाले की शाम है, ग्रैंड फिनाले जो है वो प्रोड्यूसर, चैनल
और आप सब भाई बंधुओं की सहायता के बिना संभव नहीं है। तो चट्टी साहब, हाँ जी, बड़ी हंसी आ रही ना आपको? अभी आपकी हंसी बंद कराता हूँ, बुलाता हूँ अपनी पार्टनर को। सुरवीन, तुम मेरी पार्टनर क्यों नहीं बन जाती? चला इधर शुरू करते हैं। अरे इधर शुरू करो, गाना गाना मेरा, कोरस कोरस तेरा, ठीक है? Judges, Archana. Once again, Kapil, breathless, I felt you're breathtaking and aapse nazar nahi hatti. Aap jab gaate hain aur comedy dono karte hain, lekin aaj fantastic, absolutely out of this world. Thank you. Rohit. मुझे ऐसा लगा कि punches थोड़े से कम थे, but आपने अपने performance से और even Parvati you, आप दोनों ने एक समा बांध दिया, एक पूरे act को commercialize कर दिया. और ये एक्ट सडनली कम पंचेस के साथ भी एंटरटेनिंग लगा। दोस्तों एक बार जोरदार तालियां कपिल और पार्वती के लिए। प्लीज वेलकम सुदेश एज डॉक्टर एंड कृष्णा एज वेरियस सेलिब्रिटीज। शेट्टी साहब, आपने एक बार मुझे बाहर कहा था कि फिनाले में कुछ अलग करना, तो मैं डॉक्टर कभी नहीं बना था सर। मैं कहा चलो डॉक्टर बन जाते, वो भी मैं पेट का डॉक्टर बना हूं। दीदी खाया क्या था आपने? देखो ठेले से मैंने खाया, मेरी तो गलती हो गई। ये बताओ तुम मुझे कौन सी गोली दोगे? देखो साबित कर दिया दीदी ने, वो आया ना मेरे पास, मैं डॉक्टर हूँ। यार डॉक्टर दुकान खोल के बैठे हैं, कोई ग्राहक ही नहीं आ रहा। हेलो अरे यार डॉक्टर, मैं बेटर फील कर रहा हूँ यार। यार रियली बेटर। अच्छा एक काम करो यार, हाँ? तुम कुछ मैसेज भी दो ना यार लोगों को ठीक करने के लिए। बस यही मैं चाहता था। वैसे मैंने गोली जैसे डाली, आपको पानी पहले पी के आना चाहिए था। सॉरी सर, क्योंकि आप दिमाग से देते हो इसलिए हमने लिखा ही नहीं। थैंक यू। तो अर्चना, I loved your Didi वाला act, Krishna. आपकी गायकी तो सुदेश हमेशा से ही बहुत बेहतरीन रही है. Once again, you did a wonderful job. Slightly, I felt कि the pace was a little slower than one would have hoped for. Rohit. जैसे कपिल ने बचा लिया performance करके अपना और समा बांध दिया, वैसे आप लोगों ने किया. जोरदार तालियां एक बार कृष्णा और सुदेश के लिए. सर्कस सिर्फ एक शो नहीं, ये एक जादू है जो पूरे देश के सर चढ़कर बोलता है। आज देश को कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार मिल जाएगा, लेकिन लाफ्टर का ये जादू ऐसे ही चलता रहेगा। अगले हफ्ते से आ रहा है हमारा नया शो कॉमेडी सर्कस का जादू, और इस जादुई दुनिया में कैसे कैसे जादू दिखाए जाएंगे ये बताने आ रहे हैं राजीव एंड सलोनी। जोरदार तालियां दोस्तों। नमस्कार जजिस, आपने सेमीफाइनल में निकाल दिया, लेकिन आज मैं देखता हूँ कि मुझे, क्योंकि आज मैं मार्क्स मांगूंगा ही नहीं आपसे। मुझे बताते थे कि आप जज हो, आप जज नहीं हो, जादूगर हो। कितने कॉमेडियंस बैठते थे इन सोफों पे, एक एक करके सब आपने गायब कर दिए। अब मैं बन गया हूँ जादूगर, इसलिए सुरेंद्र जी मेरे पास आए, मुझे कहते हैं मुझे 2 घंटे के लिए एक रिंग बना के दे दो, मैंने गर्लफ्रेंड को देनी है। मैंने कहा 2 घंटे के लिए सिर्फ? मुझे कह रहे हैं क्या करूं यार, कोई भी लड़की मुझे 2 घंटे से ज़्यादा रखती नहीं है। जैसी तुम्हारी हरकतें हैं भाई मेरे, तुझे कम से कम डंडे पड़ने चाहिए। और डंडा तो मैं जेब में लेकर घूमता हूँ, आपको पता मैं जादूगर हो गया हूँ, लेकिन सॉरी जादू गलत हो गया, रुमाल निकल आया, लेकिन देख देख देख, देख।
अर्चना जी, आपको भी पता है ये मेरा लकी रुमाल है। सेमीफाइनल में नहीं था, मैं आउट हो गया। तो आज मैं इसे गिफ्ट देना चाहता हूँ, अपना ये रुमाल। जा, इससे अपनी ड्रेस बना ले, देख तू भी क्या याद करेगी। शुक्र है दिल बच गया। ये तो वो भी खींच लेती, पर सॉरी सर, जादू गलत हो गया है। इससे तो इसके सारे एपिसोड्स की ड्रेस बन जाएगी। दफा कर भारती, तू ले ले, तेरा एक एपिसोड तो बनेगा इससे। ले भाई, अब तू कौन आ गया? हाय, मैं बड़ा जादूगर हूँ। बड़ा जादूगर है तो रावण को क्यों नहीं बचा पाया? हाय, मैं हूँ बड़ा जादूगर, समझे? हाय, अगर तू बड़ा जादूगर है तो सेमीफाइनल में क्यों नहीं बच पाया? हाय, मैं बहुत बड़ा जादूगर हूँ, किसी भी चीज को आग लगा दूं उसका नामो निशान नहीं मिलेगा। अच्छा। तेरा नामो निशान चाहिए? कुछ है भाई जलाने के लिए? ओए! अब सब देखते रह जाएंगे। गिली 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 की गो, गिली गिली गिली। सुरभि, सुरभि बचा, सुरभि! अरे तू कहाँ बचाएगी, तू तो खुद आग लगाती है। जजिस बचा, बचा जजिस। हेलो, मेरे पिछवाड़े में आग लगी है, तुम्हें मजे आ रहे हैं? थैंक यू। कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स का ग्रैंड फिनाले। हर जोड़ी अपने दांव खेल चुकी, अब बारी है फैसले की। जजेस अपना फैसला ले चुके हैं, तय हो चुका है कि कौन बनेगा कॉमेडी का सबसे बड़ा सुपरस्टार। लेकिन इस ट्रॉफी के विजेता के नाम का ऐलान करने से पहले मैं दोनों जोड़ियों को यहां बुलाना चाहूंगी। कृष्णा सुदेश, कपिल पार्वती, प्लीज। तो अब बारी है विजेता के गिफ्ट वाउचर को मंच पर बुलाने की। प्लीज वेलकम अली असगर। कुछ देर में ये पता चल जाएगा कि आज फिनाले किसने जीता है, लेकिन विजेता मेरे हिसाब से तो आप दोनों हैं, क्योंकि इस मंच पर इतने दिग्गज जजेस के सामने फिनाले तक आना ही अपने आप में एक जीत है। क्यों? तो अब मैं अब हमारे जजेस से रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज मंच पर आ जाएं वो। अर्चना, रोहित, कॉमेडी सर्कस के सुपरस्टार्स का सबसे बड़ा सुपरस्टार तय हो चुका है। दोनों राउंड के स्कोर्स मिलाकर कृष्णा और सुदेश, आपको मिलते हैं 52 पॉइंट्स। कपिल पार्वती, कपिल पार्वती, आपको मिलते हैं 56 पॉइंट्स, यानी आप बन चुके हैं कॉमेडी के सबसे बड़े सुपरस्टार। कपिल पार्वती, क्या कहना चाहेंगे विनर्स? आई एम रियली हैप्पी, पहली बार मैंने कोई रियलिटी शो किया है और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, एंड आई एम वेरी लकी टू हैव कपिल एज माय पार्टनर। इसने बहुत संभाला है मुझे स्टेज पे। मैं सबसे पहले तो
अपनी माँ को थैंक्स कहना चाहूँगा क्योंकि ये हमेशा उसकी ब्लेसिंग्स रही हैं। अगर शायद उनकी सपोर्ट ना रही होती उस टाइम पे तो शायद मैं आज इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इतने टैलेंटेड लोगों के बीच और ऐसी हस्तियों के सामने शायद आज नहीं होता। सो मैं सबको शुक्रिया कहना चाहूँगा, सोनी टीवी को, ऑप्टिमिस्टिक्स को, अर्चना जी, रोहित जी, जिनकी सारी मेहनत से ये शो बना है, मैं सबको थैंक्स कहना चाहूँगा। आप सब विनर हैं और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। खत्म हो चुकी है लेकिन लाफ्टर का ये सदा बहार कारवां कभी खत्म नहीं होगा, ये तो चलता ही रहेगा। कॉमेडी का जादू आपके दिलों से कभी कम नहीं होगा, ये तो बढ़ता ही रहेगा बल्कि आपके सर चढ़कर बोलेगा। तो रहिएगा तैयार हंसी के लिए, ठहाकों के लिए, हमारे जादू में खो जाने के लिए, क्योंकि अगले हफ्ते से हम आएंगे लेकर कॉमेडी सर्कस का जादू। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.